नमस्कार दोस्तों, ट्रैक्स मोटर्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी गाड़ियों के बारे में, टॉप 5 ऐसी कार्स जो सिर्फ 5 लाख के अंदर आ जाती है और आपके बजट में भी आ जाएगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों, अगर आपका बजट है 5 से 6 लाख के आसपास का तो आपके लिए अभी बेस्ट ऑप्शन बन जाता है वैगनआर। इसका एक्सट्रीम प्राइस है 5,90,000 रुपये और आप अगर यहाँ पे थोड़ा नेगोशिएट वगैरह करोगे तो आपको एक कार जो है 5.5 लाख के आसपास जो है वो मिल जाएगी। तो उसका वैसे मॉडल की बात करें तो यहाँ पे आप इसको सेट कराइएगा और 5.5 लाख में आपको एक्सट्रीम प्राइस में मिल जाएगी। तो बात यहाँ पे करते हैं इसके रीसेल वैल्यू वगैरह की। तो यहाँ पे इसका जो स्पेस माइलेज वगैरह रहेगा वो आपको यहाँ पे काफ़ी तगड़ा मिलेगा और वैगनआर यहाँ पे मिडिल क्लास फैमिली की एक पहली पसंद रहती है। तो वैगनआर अगर आप लोगे दोस्तों तो आपको वैगनआर जो है कोई भी नहीं बोलेगा कि आपने गलत गाड़ी उठाई है। तो इसकी जो आपको माइलेज वगैरह रहेगी वो काफ़ी यहाँ पे जो तगड़ी सी मिल जाएगी। तो मिडिल क्लास फैमिली के लिए जो है काफ़ी अच्छा ऑप्शन बन जाता है। तो बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे दूसरे नंबर की गाड़ी की, जिसका नाम है मारुति सुजुकी इग्निस। इग्निस जो कार है दोस्तों यहाँ पे छोटी एसयूवी कार है, रफ एंड टफ कार है। यहाँ पे बाहर से जितनी छोटी लगती है अंदर से उतनी छोटी नहीं है। और यहाँ पे जो कार की बात करें तो अभी 4 सिलेंडर इंजन आपको मिल जाता है, माइलेज आपको ज़बरदस्त मिलेगा। और इग्निस की यहाँ पे इसके रिसेल वैल्यू भी आपको यहाँ पे मारुति कंपनी ने इसमें कार में डिस्काउंट भी आपको थोड़े मिल जाएगा। तो मान लीजिए आपको जो कार है वो एक्सट्रीम प्राइस में आपको 5,84,000 में मिल जाएगी। थोड़ा सा नेगोशिएट वगैरह करोगे तो 5 लाख के आसपास जो है कार आपको बन जाएगी। तो आपके लिए इस बजट के आसपास तो ऐसा कोई पैसा वसूल का कार नहीं है ये, आपके लिए इग्निस जो है वो काफ़ी अच्छा ऑप्शन बन जाता है। और मारुति कंपनी की आप जानते ही कितनी पॉपुलर कंपनी है। तो चौथे नंबर पर आती है दोस्तों मारुति सुजुकी एक्सप्रेसो। यहाँ पे मारुति सुजुकी जो कार है यहाँ भी काफ़ी अच्छी है और यहाँ भी आपको इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो काफ़ी अच्छा मिल जाता है। छोटी मोटी गाड़ी है, अच्छे में देखने में अच्छी लगती है और यहाँ पे इसका एक्सट्रीम प्राइस स्टार्ट हो जाता है 4,26,000 रुपये से और 6,11,000 तक ही जाता है। नेक्स्ट कार आ जाती है यहाँ पे रेनॉल्ट क्विड। रेनॉल्ट को लोग शुरू से ही बहुत पसंद करते आ रहे दोस्तों। आजकल जो लोग यहाँ पे ऑल्टो को ना लेके अब वो लोग जो है यहाँ पे रेनॉल्ट की क्विड को प्रेफर करते हैं, क्योंकि जो कार है यहाँ पे इसी बजट में आपके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन बन जाता है। इसका प्राइस यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है 4 लाख से लेके यहाँ पे 6.5 लाख रुपए तक का। तो यहाँ पे दोस्तों जो यहाँ पे 5 लाख के आसपास बेस्ट हो जाती है कार। तो आजकल की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे लोग जो है यहाँ पे लॉन्ग टर्म के हिसाब से कार लेते हैं, उनको यहाँ पे माइलेज का फर्क नहीं पड़ता, उनको चाहिए रहती है मेन सेफ्टी। तो सेफ्टी के नाम पे पहले नाम आता है यहाँ पे टाटा। तो टाटा की पहली कार यहाँ पे आ जाती है 5 लाख के अंदर यहाँ पे, उसका नाम है टाटा की पंच। तो अभी यहाँ पे इंडिया में काफी ज्यादा बिक रही है, इनका एकदम टाइट बजट है और पंच है यहाँ पे जो है वो 5 से 6 लाख के आसपास यहाँ पे आ जाती है। और मारुति की अगर यहाँ पे आप कार लेते हो तो वो यहाँ पे आपके लिए वो भी यहाँ पे बजट में आती है, लेकिन जो टाटा की पंच है वो यहाँ पे 7 लाख तक का जाती है। और टाटा की पंच यहाँ पे लोग उठा रहे हैं, तो टाटा की पंच जो यहाँ पे पेट्रोल में आ जाती है और CNG में भी अवेलेबल है। और टाटा पंच एक मिनी XUV है और एकदम दमदार परफॉर्मेंस आपको मिलेगी। और यहाँ पे जो है यहाँ पे फर्स्ट के रीडिंग के साथ ही कार जो है वो आती है और लोग इस कार को बहुत ही सुरक्षित महसूस करते हैं। और सेफ्टी भी यहाँ पे इसमें जो है वो यहाँ पे टाटा पंच में ज़्यादा रहती है, क्योंकि टाटा की कार दोस्तों इसको लोग काफ़ी ही ज़्यादा पसंद करते हैं। और इसका एक्सट्रीम प्राइस रहेगा 6,13,000 रुपये, उससे स्टार्ट हो जाता है। जो CNG का टॉप मॉडल रहेगा वो यहाँ पे लेगा रहेगा 10,20,000 रुपये। और यहाँ पे आप इसके कारण है जो यहाँ पे आप इसकी जो है वो इलेक्ट्रिक कार भी ले सकते हो। दोस्तों आपके यहाँ पे कौन सी कार पसंद आई है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और टाटा की यहाँ पे जो एक छोटी सी लेकिन एक मस्ती से यहाँ पे सेफ्टी रहती है और यहाँ पे इसकी सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता, आपको यहाँ पे सेफ्टी पूरी मिलेगी। माइलेज यहाँ पे भले से आपको यहाँ पे थोड़ा सा कम मिले लेकिन जो सेफ्टी रहेगी वो यहाँ पे काफी अच्छी मिलेगी। और आजकल टाटा की परफॉर्मेंस तो आप जानते ही हैं कि क्या चल रही है, काफी अच्छी चल रही है, ज्यादा अच्छा लोग यहाँ पे इसको मानते हैं। तो दोस्तों कमेंट करके जरूर से बताइएगा कि आपको कौन सी कार इसमें ज्यादा पसंद आई है, टाटा पंच लेने वाले हैं या फिर कोई और गाड़ी। तो कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों कि आप टाटा पंच लेने वाले हैं या फिर पैसा वसूल वैगनआर लेने वाले हैं। तो आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।